तो चलिए आज बनाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए पराठे। ऐसे वैसे पराठे नहीं, कॉफी पाउडर के पराठे। सुनने में अजीब लग रहा है ना, खाने में उतना ही लाजवाब है। एक हम बनाएंगे कॉफी पाउडर का और एक हम बनाएंगे चीज़ को स्टफ करके। ये ट्राइंगल यानी कि त्रिकोण या पराठा है कॉफी पाउडर का, और इससे पहले जो आपने देखा था वो था चीज़ का। अब आप सोच रहे होंगे कि पराठा तो कड़वा हो गया होगा। जी नहीं, वो नहीं हुआ है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये है आटे का डो। नॉर्मल जो हम घर में बनाते हैं वही डो है पराठे का। ये है मोज़रेला चीज़। ये चीज़ ज़्यादातर पिज़्ज़ा बनाने में काम आती है। फिर है प्रोसेस चीज़ जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर है घी, कॉफ़ी पाउडर, और यहाँ पे है राज जो है शुगर, जिसको मैंने पीस लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये त्रिकोण या पराठा बनेगा कैसे। सबसे पहले हम बना रहे हैं कॉफ़ी पाउडर का। 60-70 ग्राम आटे के डो का एक पेड़ा बना लीजिए। फिर हाथों की मदद से या फिर रोलिंग पिन यानी कि बेलन से उसे पतला करके बड़ा कर लीजिए, और उस पर ग्रीसिंग कर लीजिए घी की। उसके बाद डालिए कॉफ़ी पाउडर, और कॉफ़ी पाउडर की मात्रा हमें थोड़ी ही रखनी है, बस फ्लेवर के लिए। और ऊपर से डालेंगे हमने जो पाउडर कर रखी थी शुगर को। अब बस इसे हाफ फोल्ड कीजिए, फिर से घी की ग्रीसिंग कीजिए और डालिए थोड़ी शुगर और मैदा, और फिर से इसे फोल्ड कर दीजिए। अब बस इसे बेल के डाल दीजिए तवे पे, और जब एक साइड में कलर आने लग जाए तब इसकी साइड को बदल दीजिए और डाल दीजिए थोड़ा घी। अब सेम प्रोसेस को रिपीट करके दूसरी साइड भी लगा लीजिए अच्छे से घी। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे त्रिकोण या पराठे के कितने अच्छे लेयर्स आए हैं, और कॉफ़ी भी मेल्ट हो गई है और शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब बनाते हैं हमारा दूसरा पराठा जो कि है माउथ मेल्टिंग चीज़ बर्स्ट पराठा। और इसके लिए भी हम 60-70 ग्राम्स आटे के डो का एक पेड़ा ले लेंगे और इस पर ग्रीसिंग करेंगे घी से अच्छे से, और डालेंगे इसके सेंटर में मोज़रेला चीज़ जिसे मैंने ग्रेट कर रखा है। मोज़रेला चीज़ ज़्यादातर पिज़्ज़ा बनाने में काम आती है क्योंकि ये होती है स्ट्रेचेबल मेल्ट होने के बाद, और होती है एकदम चुई। फिर हम इसमें डालेंगे अमूल की प्रोसेस चीज़। ये खाने में सॉल्टी होती है। बस अब डाल दीजिए थोड़ा सा मैदा और हाथों की मदद से थोड़ा इसे दबा दीजिए और हाफ फोल्ड कर दीजिए। फिर लगाइए फिर से घी, थोड़ा मैदा, और इसे फिर से फोल्ड कर दीजिए। हो गया ना एकदम ट्राइंगल शेप में। अब बस इसे फिर से रोलिंग पिन की मदद से बड़ा कर लीजिए। बस ध्यान रखिए इसके जो एजेस हैं उस पे बेलन चलाइए, एकदम परफेक्ट आएगा फिर आपका पराठा। और डाल दीजिए इसे तवे के ऊपर। पहली साइड को मीडियम फ्लेम पे सेक लीजिए, फिर उसको पलट दीजिए और लगा दीजिए घी। अब दूसरी साइड पे भी घी लगा लीजिए और इसे पलट दीजिए। अब थोड़ा कलर आने दीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ भी मेल्ट होके नीचे की तरफ चला गया है, और हमारे पराठे के लेयर्स भी कितने अच्छे आए हैं। और यहाँ रेडी हो गया आपका चीज़ पराठा भी। तो आप भी ट्राई कीजिए इसे घर पे, और मुझे बताइए कमेंट पे कि कैसा लगा आपको कॉफ़ी और चीज़ का पराठा। मिलते हैं अगले